नमस्कार, डीएलएड के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु माथुर। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में। सतत और व्यापक मूल्यांकन की पहले शाब्दिक अर्थ के रूप में व्याख्या करते हुए हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सतत, सतत का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करने से है। यह पूरे सत्र में फैली हुई प्रक्रिया है जो छात्रों की निरंतर प्रगति को अवलोकित करती है। व्यापक, व्यापक का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने से है। मूल्यांकन में सतत और व्यापक मूल्यांकन के निरंतर और व्यापक आधार पर शिक्षा और अन्य व्यवहार परिणामों का आकलन है। इस तरह सतत और व्यापक मूल्यांकन पूरे सत्र में निरंतर और व्यापक छात्रों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्रिया है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल किए गए हैं। मूल्यांकन के सभी तीनों प्रमुख लक्ष्य संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक सतत एवं मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सततता जहाँ एक और कक्षा प्रक्रिया के रूप में है, वहीं सावधिक मूल्यांकन के रूप में भी है। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करती है जो बच्चों के विभिन्न कौशल, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को उजागर कर सकें। इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्र के जीवन के हर पहलू को छूता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जीवन कौशल, जिसमें कि छात्र के भावात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल सम्मिलित हैं। दूसरा है अभिवृत्ति और मूल्य, जिसमें छात्र की सभी क्रियाएं तथा मूल्य परक शिक्षा सम्मिलित है। पर्यावरण शिक्षा में प्रमुखतः मूल्यों का योगदान होता है, इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता भी है। तीसरा है क्रियाएं, जिसमें छात्र की सभी क्रियाएं शैक्षिक तथा सहशैक्षिक शामिल की गई हैं। इसकी पृष्ठभूमि के विषय में चर्चा करते हुए हम जानते हैं कि NCF अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा योजना 2005 ने यह अनुशंसा की थी कि हर बच्चा अलग गति से और अलग तरीके से सीखता है और उसे उसी के तरीके से सिखाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त NCF ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें सृजनात्मकता और बालक का पूर्ण विकास निहित हो, अर्थात पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाकर ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात भी कहता है। इस प्रकार NCF वर्तमान परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए एक उपाय के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कहता है, जिसमें बच्चे का आकलन लिखित परीक्षा मात्र नहीं होना चाहिए, वरन साल भर विविध तकनीकों के आधार पर आकलन और उसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य निहित करती है तथा परिलक्षित करती है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु दिनांक 20 सितंबर 2009 को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन घोषित किया। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भी संपुष्टि करता है। पर्यावरण अध्ययन में इसका लक्ष्य निम्न अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास का निर्धारण करता है। सबसे प्रमुख है ज्ञान। छात्र के संज्ञानात्मक विकास को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रमुख अंग बनाया गया है। दूसरा है समझ या व्यापकता। छात्र ने विषय को कितना समझा है तथा किस व्यापक रूप में जाना है, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। तीसरा है लागू करना। छात्र ने प्राप्त किए हुए ज्ञान को किस तरह अपने जीवन में लागू किया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस पर भी दृष्टिपात करता है। विश्लेषण करना। छात्र ने किस तरह ज्ञान को विश्लेषित किया है तथा संज्ञानात्मक रूप से क्रियाओं में किस तरह परिवर्तित किया है, यह भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख दृष्टिकोण है। मूल्यांकन करना, जिसमें छात्र के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। छात्र के पूरे सत्र में जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनका अवलोकन तथा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जो निदानात्मक अनुदेशन दिए जाते हैं उनके विषय में जानकारी एकत्रित करना मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। अंत में सृजन करना, छात्रों की रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का तथा उनकी उपलब्धियों का सृजन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह कभी नहीं चाहता कि छात्रों का वर्गीकरण किया जाए या विभेदीकरण किया जाए। छात्रों को वर्गीकरण एवं विभेदीकरण से बचाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरे सत्र में छात्रों के निदानात्मक परीक्षणों पर बल देता है तथा संरचनात्मक सुधारों पर जोर देता है। इस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
छात्रों के संपूर्ण विकास की ओर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरणों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परिलक्षित किया जाता है। सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा छात्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में कई तरह के परीक्षण शामिल हैं, जिसमें प्रेक्षण, अनुसूची या चेकलिस्ट बनाना या छात्र की मनोवृत्तियों के विषय में जानकारी हासिल करना सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है साक्षात्कार, जिसमें छात्र से संबंधित जानकारियों को सामने बैठकर जाना जाता है। लिखित या मौखिक रूप से छात्र के साक्षात्कार द्वारा छात्र से संबंधित सभी जानकारियों को एकत्रित किया जा सकता है, जिससे शिक्षक छात्र की जानकारियों से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर सके तथा उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। तीसरा है व्यक्ति अध्ययन। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य को परिणित करता है, जिसमें छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। व्यक्ति अध्ययन द्वारा शिक्षक छात्र के संपूर्ण जीवन को देखते हैं तथा उसके आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्र का नैदानिक परीक्षण एवं रचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके। चौथा है प्रेक्षण। प्रेक्षण की तकनीकों द्वारा मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए छात्र के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। आत्म प्रतिवेदन, जिसमें छात्र अपने अनुसार लिखने का और अपने बारे में बताने का अवसर प्राप्त करता है। संचित अभिलेख पत्र, जो छात्र के बारे में जानकारियों को एकत्र करने का एक अन्य माध्यम होते हैं। घटनावृत्त, जो छात्र के पूरे सत्र में हो रही घटनाओं को वर्णित करता है। निर्धारण मापनी, जो छात्र के उपेक्षित परिणामों की उपलब्धि को निर्धारित करता है तथा सामने रखता है। पालक तथा शिक्षक को यह बताता है कि छात्र ने किस स्तर तक उपलब्धियों को प्राप्त किया है तथा क्या प्राप्त करना बाकी रह गया है। अंत में है पोर्टफोलियो, जिसके द्वारा छात्र के संचित अभिलेखों को रखा जाता है। पोर्टफोलियो छात्र की पूरी प्रगति का विवरण पूरे सत्र में शिक्षक एवं पालकों को प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में चर्चा करते हुए हम यह जानते हैं, यह व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रमुख स्थान है। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचनाएं एकत्रित करता है, जैसे विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है, उसी तरह छात्रों का सर्वेक्षण साक्षात्कार द्वारा किया जाता है, जिससे छात्रों के निदानात्मक अनुदेशन प्रदान किया जा सके। व्यक्ति अध्ययन, इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षण, इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा, उसमें घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार किया जाता है। आत्म प्रतिवेदन या सेल्फ रिपोर्ट, इस विधि में छात्र स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। छात्र के मन के बारे में जानने का यह सबसे अच्छा माध्यम होता है। संचित अभिलेख पत्र, छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है, जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख होता है। घटनावृत्त, स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। निर्धारण मापनी, बच्चों की योग्यताओं व उपलब्धि को इस तरह जांचना कि वह किस स्तर की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि किस तरह ग्रेड देना निर्धारण मापनी का एक लक्ष्य होता है। पोर्टफोलियो, समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, जो पूरे सत्र को परिलक्षित करता है। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या विद्यार्थी की किसी उपलब्धि का वर्णन भी हो सकता है या उसके सीखने की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड भी पोर्टफोलियो कहलाता है। ये सभी चीज़ें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जो शिक्षक, पालक, सहशिक्षक तथा सहपाठियों की मदद से तैयार किया जाता है। अब हम जानेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। छात्र के सीखने को केंद्र बिंदु बनाकर सीखने के परिणामों की पहचान करना, उद्देश्यों की पहचान करना कि किस छात्र के लिए क्या आवश्यक है, क्या दिया जाना चाहिए, इसके बाद आकलन प्रक्रिया निर्दिष्ट करना,
छात्र को मूल्यांकनों को अवलोकित करना, डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना तथा परिवर्तन करना। परिवर्तन की प्रक्रिया में छात्र को दिया जाने वाला उपचारात्मक शिक्षण तथा रचनात्मक मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। इस तरह यह प्रक्रिया छात्र के सीखने को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे सत्र में निरंतर चलती रहती है। अब हम जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं। इकाई परीक्षण की आवृत्ति, सीखने के अंतराल के निदान के रूप में तथा सुधारात्मक उपायों का प्रयोग करने के रूप में, पुनः परीक्षण करने के रूप में तथा आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। जैसा हमने जाना कि पूरे सत्र में छात्र का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन करने के लिए हमें चार चरणों से गुजरना होता है। पहला है सूचना या प्रमाण एकत्रित करना, जिसमें स्वयं छात्र अन्य छात्रों, अन्य शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों से मूल्यांकन तथा स्वमूल्यांकन, लिखित वर्ग और गृह कार्य की समीक्षा करने से छात्र का सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है। इन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए शिक्षकों को रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। दूसरा चरण प्रमाणों की व्याख्या से ही प्रारंभ होता है, जिसमें प्रत्येक छात्र की प्रगति, विचार विश्लेषण, शिक्षण में सुधार करने, छात्रों को फीडबैक या प्रतिपुष्टि देकर नए संसाधनों की खोज तथा शिक्षण बिंदु को दोहराकर अपने निष्कर्षों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस तरह शिक्षक जान जाता है कि उस छात्र के मूल्यांकन में कहाँ कमी है तथा छात्र को किस तरह के निदानात्मक अनुदेशन की आवश्यकता है। तीसरा चरण अभिलेखन है। पढ़ाते सीखते समय जो हम देखते हैं उसे डायरी, नोटबुक, रजिस्टर में नोट करना, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना, छात्रों के कार्यों के नमूने जैसे लिखित, कला, शिल्प, परियोजनाएं, कविताएं आदि पोर्टफोलियो में रखना या उनका रिकॉर्ड नियंत्रित करना, सुनियोजित तरीके से संपर्क करना तथा पाठ में शिक्षकों एवं पालकों के समक्ष प्रस्तुत करना अभिलेखन में शामिल होता है। इस तरह प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल तैयार करना आखिरी चरण है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को परिपूर्ण करता है। छात्रों की किन्हीं असामान्य घटनाओं, परिवर्तनों, समस्याओं, प्रमाण की व्याख्या, शक्तियों और शिक्षण प्रमाणों को नोट करना छात्र के प्रोफाइल तैयार करने में सम्मिलित होता है। इस तरह इन चार चरणों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तैयार होता है। सुधार के लिए योजना बनाना एक अन्य चरण है, जिसमें प्रत्येक छात्र को सार्थक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना तथा अधिक मदद के जरूरतमंद छात्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिक उन्नत छात्रों को चुनौती देते हुए सार्थक शिक्षण अवसर उपलब्ध कराना भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। इस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरे समय चलने वाली प्रक्रिया है, जो इन चारों चरणों में पूर्ण होती है। इस तरह एक तिमाही के आंकड़ों को लिखने का रिकॉर्ड किस तरह रखा जाता है, उसका एक नमूना आपके सामने है। इसमें आप जान सकते हैं कि बच्चे का नाम, अवलोकन जिसमें उसकी मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में लिखा जाना चाहिए, अवलोकन दो जिसमें उसके लिखित कार्यों का वर्णन हो, अवलोकन तीन जिसमें चित्रांकन तथा क्रियात्मक प्रगति का वर्णन हो, चौथा अवलोकन परियोजना कार्य से संबंधित है जो पूरे सत्र में छात्र को दी जाती है, पांचवा अवलोकन सृजनात्मक लेखन से संबंधित है, छठवां अवलोकन चित्र पठन कार्य से संबंधित है, अंत में शिक्षक द्वारा गुणात्मक विवरण या टिप्पणियाँ की जा सकती हैं। इन टिप्पणियों में शिक्षक के अलावा सहशिक्षक, सहपाठी तथा पालक भी या समुदाय के अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों की प्रगति को देखकर शिक्षण पद्धति में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख उपलब्धि है तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने को और बेहतर बनाना और कमजोरियों का पता लगाना एवं उसका निदान करना है। इस तरह पर्यावरण अध्ययन में छात्रों की कमजोरियों को पता लगाकर उनका निदान करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सहशैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति इस तरह से संभव है। सीखने की गति एवं दिशा के साथ साथ बच्चे की आवश्यकता, अभिरुचि, कौशल, योग्यता को भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पोषित करता है।
पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रेरक मूल्य बच्चे को नियमित रूप से और अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जब बच्चा जानता है कि उसका सभी रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में या अभिलेखों में संचित किया जा रहा है, बच्चे को और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नैदानिक मूल्य के रूप में यह छात्र की कठिनाइयों का निदान करने में सक्षम है तथा शिक्षक को भी सक्षम बनाता है। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालक के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करता है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य भी है। इस प्रकार हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के चहुमुखी विकास के रूप में शिक्षा का प्रयोजन भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों में प्रत्येक बच्चे की छुपी हुई पर्यावरणीय संभाव्यता का अनुकूलन करना है। आज के पाठ में हम ये जान पाए कि पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या प्रक्रिया है तथा कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह आज हम अपना पाठ समाप्त करते हैं। किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।